हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि दूसरों को कॉल सीधे अपने मोबाइल में कैसे सुने, तो इस समस्या का समाधान मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने दोस्तों का कॉल या फिर किसी दूसरे लोगों का फ़ोन किस तरह से आप डायरेक्ट अपने मोबाइल में सुन सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे कि किस तरह से आप दूसरों का कॉल अपने मोबाइल में सीधे डायरेक्ट सुन सकते हैं। यदि अगर गाइस, एक बार मैं पहले आपको बता देना चाहूँगा कि अगर यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को और घंटे को आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाए और इस तरह का वीडियो मिस ना हो। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और हमारे चैनल साथ। शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज, आपको करना क्या है कि कॉल डायलर पे आपको जाना है, और कॉल डायलर पे जाने के बाद आपको 401 सॉरी स्टार 401 कॉल पे, फिर इसके बाद स्टार डालना है, फिर इसके बाद आपको अपना नंबर डालना है। तो मैं आपको एक नंबर डाल के बता देता हूँ, 9693458620। तो गाइस, ये है नंबर, फ़ोन नंबर जिसके फ़ोन का कॉल आपको सुनना होगा। ये आपको नंबर, अपना नंबर अपने फ्रेंड से मोबाइल पे, या फिर जिसके भी आपको कॉल सुनना होगा उसके नंबर पे, उसके मोबाइल में आपको अपना नंबर डाल देना है। तो ये डायल करके आपको ऐसा कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद ये कॉल हो जाएगा, उसके बाद बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग इज नाउ एक्टिव ऑन योर नंबर। तो इसको कॉल करने के लिए कॉल एक्टिव हो जाएगा। ये कॉल एक्टिव होने के बाद अब आप सीधे आप अपना फ्रेंड का कॉल या फिर जिसका आप मतलब कॉल सुनना चाहते हैं उसका कॉल सीधे आपको मोबाइल पे सुनाई देगा। तो और ऐसा करने के बाद फिर यदि अगर आपको एक्टिवेट करने के बाद फिर आप चाहेंगे कि इस नंबर को डीएक्टिवेट करना है, तो इससे लेकर मैं आपको अगले वीडियो में वीडियो लेकर के आऊँगा। तो तब इस वीडियो को देखिए और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह ट्रिक आपको कैसा लगा। तो ठीक है गाइज, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।